हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आज 5th ऑफ सितंबर है। कितने लोगों ने हैप्पी टीचर्स डे का विश किया है? आई रियली वांट टू से कि आप सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब आप लोग कमेंट करते हो, कोई चीज़ जैसे गलत होती है जो आपको सही नहीं लगती है और आप मुझे रेक्टिफाई करते हो, आई ऑल्सो गो बैक एंड लर्न फ्रॉम योर कमेंट्स। यू नो, इट्स बोथ वे लर्निंग दैट आई that we are having. So happy teachers day to you all, and all teachers are teachers because they have good students. Agar aapne kabhi bhi meri research se paisa banaya hai to aap bahut acche students ho, and I really respect you. So happy teachers day once again, and there's a student of mine who keeps sending me these beautiful cups with my photos on them, and I really want to thank from the bottom of my heart. It's really nice feeling that how students really, you know, look up to you and do their, you know, they go out of the way and make some gesture. So ab baat karte hain bank nifty ki, kyunki pehli expiry hai bank nifty ki on a Wednesday. So mere hisab se abhi bhi mujhe bank nifty ka stance bahut positive lag raha hai, although bank nifty ne aaj thoda upar khul ke niche closing di hai. I'm looking for a day when it crosses this value, which is 44,785. Spot mein agar 44,785 cross ho jata hai, to humko ek target milega 45,000 ka. Aur agar 45,000 cross ho jata hai, to mujhe ek acha up move aate hue dikh raha hai. But again, I'm warning you people, do not jump and buy. Aap log aaj kai log bolne wale ho ki aapne bola tha upar jayega, but I didn't say ki kal jayega. मैंने बोला कि एक बैरियर क्रॉस होना चाहिए। कौन सा बैरियर? पहले 44,785 का और दूसरा 45,000 का बैरियर क्रॉस होगा तो बैंक निफ्टी को एक फ्रीडम मिलेगी ऊपर की तरफ जाने की। तो बैंक निफ्टी अभी भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, बट एक जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो है 44,795, और यू कैन से 44,800 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनता है 44,400, तो ये 400 पॉइंट की रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की। एक बार हम इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन। अगर हम ऑप्शन चेन को ध्यान से देखते हैं तो कोशिश करते हैं जानने की कहां कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इंक्रीज हुई है। आज के दिन की ही बात करते हैं, हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, थोड़े से ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं पुट साइड के। तो ये करीब हो गए, पुट साइड में 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। कॉल साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं? अगर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो इन द मनी हम लेते हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक लेते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ तक लेते हैं। तो नोटिस करिए, रफली अबाउट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन लिखे गए। मतलब अगर हम आज की बात करें इंट्राडे, तो बेरिश स्टांस था बैंक निफ्टी का, और अगर हम लेट्स टॉक अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करते हैं और देखते हैं। 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन ऑन द कॉल साइड, ऑन द पुट साइड, ये सब मैं रफ कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो यहाँ तक के अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो ये 14.5 है। तो पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट कम लिखे गए हैं, कॉल साइड में कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लिखे गए हैं। ओवरऑल बैरिश लगता है मुझे, सेंटिमेंट जो है बैरिश लगते हैं। 44,600 एक बैरियर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग आज के दिन बड़ी है, और अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो 44,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स ऐड हुए। तो 44,500 एंड 44,600 में एक बहुत जबरदस्त फाइट रहेगी। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा स्टांस, अगर आज और कल का डे हाई ब्रेक होता है, I'll just show you, अगर आज और कल का डे हाई ब्रेक होता है तो my stance is going to be positive only. मुझे ऐसा लगता है कि there could be an expiry game, but as far as I'm concerned, मैं put sell करने में ज्यादा विश्वास रखूंगी अभी, although option data ऐसा नहीं बता रहा है, option data में call writers ज्यादा aggressive है, but कल के दिन देखते हैं क्या बनती है scenario. आप देखिए, आज भी Federal Bank, IDFC First Bank, RBL Bank, Canbi, Kotak Bank, Nifty, IndusInd Bank, ICICI Bank, they were all positive. The laggards are basically HDFC Bank, Bandhan Bank, SBIN, AU Bank, etc. ये जो थे थोड़ा बैंक निफ्टी को पुल डाउन कर रहे थे। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है वो ये कि देर इज प्राइस रिजेक्शन कंटिन्यूसली फॉर द 2 डेज, राइट? आप लोग
पूछते हो कई बार और नहीं भी पूछते हो तो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मूव होता है, इज द ऑप्शन चेन अगर पहले मूव होता है या प्राइस पहले मूव होता है। तो मेरे हिसाब से पहले प्राइस मूव होता है, फिर ऑप्शन चेन मूव होता है। कई बार ऑन द एक्सपायरी डे ऑप्शन चेन जो है उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उस बैरियर को प्राइस क्रॉस नहीं कर पाता है, बट प्राइस इज वॉट यू नीड टू फॉलो, द ऑप्शन विल फॉलो द प्राइस। ओके, तो मेरे हिसाब से प्राइस पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, प्राइस एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, यू विल बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम ऑप्शन। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग। सो मुझे लगता है कि प्राइस मुझे यही बता रहा है दो दिन से लगातार, एक ये बहुत बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी, एक कैंडल 4 सितंबर की, यू नो देयर इज अ पुल फ्रॉम द बॉटम, देन अनदर डे टू डे वेयर इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लोअर लेवल्स। अगर हम ये ट्रेंड लाइन को ही देखें तो इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन अगेन। तो क्रॉसिंग 44,700 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, उसके बाद 44,800 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बट देयर आर ह्यूज राइटर्स सिटिंग एट 44,600। तो आपको सारे लेवल्स को ध्यान करना है, हो सकता है कल रेंज बाउंड एक्सपायरी हो, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इफ यू आर एन ऑप्शन राइटर, ऊपर की तरफ का कॉल सेल करिए, नीचे की तरफ का पुट सेल करिए और कुछ 300 पॉइंट का आप दोनों साइड में गैप रख सकते हैं। और ये हो सकता है एंड ऑफ द डे ये दोनों चीजें जीरो हो जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी का प्राइस एक नैरो रेंज में है। अगर ब्रेकआउट आता है, अगर 44,785 ऊपर चला जाता है, देन यू नीड टू थिंक अबाउट डायरेक्शनल मूव, बट बिफोर दैट you can easily sell 44,800 call option and 44,400 put option. Jaldi se dekh lete hain inka premium kitna milega. Agar hum 44,400 put ki baat karte hain to premium hai 5758 rupees aur idhar hai 27.9, to aapko 57 plus 27 ye aapko collectively mil jayega. If you sell call and put, that means you make a strangle, you will be able to make money by selling call and put on both the sides. दोनों तरफ आपको पैसा मिल सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है। अगर बैरियर ब्रेक होता है तब आपको प्रॉफिट मिलेगा डायरेक्शनल ट्रेड में, बट अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी मे रिमेन रेंज बाउंड एंड थर्सडे ऑनवर्ड्स यू मे सी अ गुड मूव अप इन बैंक निफ्टी। एक और आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप इफ यू ऑल फाइंड इट गुड, 44,600 का कॉल पुट दोनों सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है यू मे गेट गुड मनी। सी हियर 87 रुपीस का प्रीमियम है और यहाँ पे 138 रुपीस का प्रीमियम है, यू मे सी इट एक्सपायरिंग क्लोज टू 44,600 अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है। कोई न्यूज आ जाती है, कुछ पॉजिटिव स्टांस है मार्केट में, तो आपको डायरेक्शन मूव मिलेगा, बट मेरे हिसाब से अगर डायरेक्शन मूव मिलेगा तो ऊपर की तरफ कहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से नीचे नहीं जाना चाहिए। दो दिन बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से सपोर्ट लिया, दैट्स माई ओनली रीजनिंग दैट आई एम गिविंग, कि दो दिन बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल अगर ब्रेक नहीं करती है तो रेंज बाउंड में ही एक्सपायर हो जाए। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड गिव अ थम्स अप सो दैट द वीडियो रीचेस टू मोर पीपल एंड राइट अ कमेंट, इट विल हेल्प इन एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।